So hi everyone, welcome back to the channel जो कि JD भीम से अभी है मिस्टर भीम। तो आज है सैटरडे, आज है छोटी वाली दिवाली। तो सबसे पहले सभी को हैप्पी वाली छोटी दिवाली। कल बड़ी दिवाली है तो कल बड़ी दिवाली की विशेष कल देंगे, ठीक है? या फिर एडवांस में हैप्पी दिवाली सभी को। तो अभी मैं आया हूँ अपने पुराने वाले घर में, क्योंकि ये जो भी आवाज़ आ रही है ना आपको पीछे से पैरेट्स की, इनको डेली खाना वाना डालना होता है तो मैं खुद ही डालना प्रेफर करता हूँ, मुझे मज़ा आता है इनके साथ। तो अभी खाना वाना डालेंगे इनको और छोटी दिवाली है तो सभी लोगों से मिलेंगे भी, तो सभी को विशेष देंगे भी और लेंगे भी। और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा ऑरेंज ट्री है, मतलब हम लोगों ने एक छोटा सा ऑरेंज ट्री लगा था जो आज काफ़ी बड़ा हो चुका है, जिसमें बड़े सारे बड़े बड़े ऑरेंजेस लगे। मतलब बड़ा अलग ही नज़ारा लग रहा है इस बार, क्योंकि अभी तक इतने सारे ऑरेंजेस मैंने देखे नहीं थे इस पेड़ पे। तो सबसे पहले ऑरेंज खाते हैं, उनका टेस्ट बताता हूँ और आपको ऑरेंज भी दिखाता हूँ, ठीक है सर? उसके बाद बैच वगैरह लेना है, क्योंकि आज छुट्टी है, छोटी दिवाली है, तो बैचेस मेरे मॉर्निंग के हैं, तो बैच वगैरह भी लेंगे। फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से, छोटी मोटी शॉपिंग करेंगे दिवाली की जो होती है। कुहू को छोटे मोटे पटाखे दिलाने पड़ेंगे, मैं तो फोड़ता नहीं हूँ बट कुहू को शौक चढ़ रहा है, बोल रही है तो उसको दिलाते हैं, मौली को भी दिलाते हैं। चलो पहले ऑरेंज खाते हैं, हम ग्रीन दिवाली मनाते हैं। आ रहे हैं तो गेट कीपरी हो गई, ठीक है भाई, दरवाजा दरवाजा खोल दिया है, बड़े साहब आ गए हैं। अब छोटे साहब संतरा खाएंगे, तो कौन सा वाला संतरा खाएं, कौन सा वाला ऑरेंज मौली? अच्छे वाले तो बहुत ऊपर ऊपर लगे हैं। ये वाला, ये वाला मौली इसलिए बोल रही है ये वाला क्योंकि मैं ये वाला इजीली तोड़ लूँगा, है ना? हाँ, तो मैं तो वो वाला लूँगा, यहाँ पे कमर में चक जाएगी। मौली मुझे हल्के में ले रही है, देखा नहीं मौली आपने मेरे को? मैंने वो भी तोड़े थे क्या, कोकोनट, और उसकी हाइट से तोड़े थे, ठीक है? दीपांकर ने भी मेरे को हल्के में लिया था। हल्के में नहीं लेना मेरे को, मैं भारी हूँ। देखा, तोड़ लिया कि नहीं तोड़ लिया? तोड़ लिया भाई, तोड़ लिया। मतलब बड़े बड़े संतरे लगे इस बार ऑरेंज, पिछली बार भी लगे थे बट छोटे थे और इतने सारे ही नहीं लगे थे जितने इस बार लगे हैं। आपको शायद दिख कम रहे होंगे क्योंकि बड़े सारे हम लोगों ने कल तोड़ लिए हैं इसमें से, और मौलिना केले केले खा भी लिए हैं, ठीक है? तो खाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो खिला तो सकते ही नहीं है ना, तो दिखा सकते हैं, देखो है ना मस्त, क्या मस्त ऑरेंज है। मौली के तो मुँह में पानी आ रहा है, जब कितने सारे खा चुकी है कल, ये मुँह में पानी आ रहा है। नहीं बट मैंने सचमुच खाए थे, मैंने कल 2 खाए थे, बड़े मस्त हैं भाई साहब, बेहतरीन, बहुत ही मीठा स्वाद है, जो बाज़ार में आता है ना उससे भी बेहतरीन, शानदार। आगरा में ऑरेंज ट्री होना मेरे लिए तो बहुत अनोखी बात है, नई बात है, और मेरे घर में होना ये तो सबसे नई बात है। अगर कोई आगरा का अगर देख रहा है वीडियो और उसके घर में है ऑरेंज ट्री और ऑरेंज लग रहे हैं तो कॉमेंट में ज़रूर बताना, एड्रेस भी दे देना, मैं आऊँगा पर्सनली चेक करने और खाऊँगा। अपना वाला नहीं चखाऊँगा भाई, आपका वाला चखूँगा, फिर देखूँगा कुछ गड़बड़ है, फिर कुछ इसमें मिलावट की जाएगी। चलो निकलते हैं फिर अब, है ना? तो घर में थोड़े प्लांट्स वगैरह लेकर आए हैं, तो पॉट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट थी, निधिका ने बोला था तो लेते हो आना। तो ये एक लिया तुलसी गमला और ये एक पॉट्स का सेट है, 2-3 गमले ऑरेंज के अंदर ही हैं ये। तो शॉपिंग अभी ख़त्म नहीं हुई, शॉपिंग अभी चलेगी, अभी जाके लेने हैं थोड़े दिवाली के लिए फ्लावर्स वगैरह जो डेकोरेशन में लगाते हैं, गेंदे वेंदे के। हाँ निकलते हैं, ओके भाई, थैंक यू। थैंक यू भाई साहब, सही रेट लगाया भाई ने। अब करेंगे फ्लावर शॉपिंग जो दिवाली डेकोरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है भैया, मज़ा आ जाता है, मतलब एक तो खुशबू तो आती है, दिखने में भी अच्छा लगता है। तो ये आ गई हमारी फ्लावर मंडी, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं फूल वगैरह काफ़ी सारे। साइड में गाड़ी पार्क कर देते हैं पहले, काफ़ी बड़ा मार्केट है फ्लावर्स का, ये दिवाली टाइम पर ही लगाते हैं यहाँ पर ये लोग। फ्लावर शॉपिंग, फ्लावर शॉपिंग, फ्लावर शॉपिंग। क्या रेट दे रहे हो? क्या रेट दे रहे हो? कितना लेना है? कितना लेना है ये बताइए, है ना? आप तो खरीद रहे हो 90 रुपये किलो। बात करो, 90 रुपये किलो दे रही है। एक तो 10 बिक रहा है, आप खरीदने आए हैं, बेच तो ये रहे। आप ही बेच रहे हैं? अच्छा, खरीदने वाला हूँ। उल्टा बोल रहे हो। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पर, बहुत सारी स्टॉल्स लगा रखी हैं। क्या रेट दे रहे हैं? 100 रुपये किलो। 100 रुपये। स्टॉल बहुत सारी हैं, कुछ के फ्लावर बड़े अजीब से हो रखे हैं, पर फिर भी रेट बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। बहुत दूर तक स्टॉल्स लगा रखी हैं। आज दिवाली टाइम है ना, तो मतलब आज सेल ज़बरदस्त होती है। हर साल लगता है यहाँ पर ये 2-3 दिन के लिए ये, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं ना यहाँ पर। क्या रेट लगा रहे हैं भाई? 120 रुपये किलो भैया। अरे सच बताओ, 120 तो ज़्यादा हो गया। पीछे 100-100, 90-90 रुपये बता रहे हैं आप, ज़्यादा रेट लगा रहे हो। हैं ताज़ा ही थे, पीछे भी ताज़ा ही थे। क्या रेट लगाओ? टिकटी के बताओ। 110 लग जाए आपके पीछे, 90-90 ये रेट बता रहे हैं पीछे, तो यही लगा दो। क्या रेट लगा दो फाइनल? ये वाला 100 लगा देंगे आप। 100 लगाएंगे ये वाला? चलो भाई के साथ ही डील कर लेते हैं, क्योंकि पीछे 90 भी बता रहे थे, पर इनके फ्लावर मुझे कुछ ठीक लग रहे हैं, तो 100 रुपये रेट भी ठीक है। 10 रुपये में कुछ ज़्यादा बनता भी घटता नहीं है, तो भाई साहब के साथ ही डील कर रहे हैं। भाई साहब करो फिर, चलो तो आओ ज़रा। छः किलो 600 ग्राम आपके पास गाड़ी है ना? हाँ गाड़ी है, पर बहुत दूर है मेरी। ये क्या नाम है, पत्ते डाल दो थोड़े। फ्लावर शॉपिंग तो डन हो गई यहाँ से। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। नाम क्या आपका? करण। हाँ तरन। ओके तरन, आपका क्या नाम है भाई? आकाश। थैंक यू भाई। लाओ उठा के दे देना, मेरे हाथ पर रख दो। कपड़े कपड़े तो नहीं खराब हो जाएंगे अगर मैं ऐसे लगाता हूँ तो? लाओ भाई, धन्यवाद, थैंक यू। लोग बाग यहीं पर अपनी कार वगैरह भी डेकोरेट कर रहे हैं। अभी चलते हैं भाई से, जरा मोर पंख ले लेते हैं। निकालना जरा। कितने का दे रहे हो? 10 की है क्या? 2-3 लूँगा तो कुछ डिस्काउंट है? डिस्काउंट मिल जाएगी। क्या डिस्काउंट है? यूट्यूब 4 लूँगा तो एक फ्री मिलेगा, 5-6 मिलेंगे। चलो लाओ दो। हैं 5 दे दो फिर तो, वही 4 लेने पर एक फ्री दे रहे हो ना तुम। 40 के हो गए 5। क्या नाम क्या आपका? ऋषभ तिवारी। हमें डिस्काउंट दे रहे हैं भाई, बोले 4 लोग हैं, एक एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। अच्छे वाले निकालना भाई। थैंक यू भाई, बाय बाय। जेडी भीम है। हाँ भीम चेंज कर दिया नाम, मिस्टर भीम कर दिया ना, तो ये आ गया। क्या नाम है आपका? संदीप राजपूत। चलो ठीक है, मिलते हैं संदीप भाई। ओके बाय बाय। तो लोग बड़े प्यारे हैं भाई, हर जगह मिल जाते हैं अच्छे लोग। तो पूछा उन्होंने आपके चैनल का नाम क्या है, तो सब्सक्राइब करेंगे करके, तो सब्सक्राइब हो गया। अभी चैनल का नाम चेंज किया है तो एकदम से नहीं आता है, वो पुराने वाले नाम से आता है, जेडी भीम से, बट नाम चेंज कर दिया मिस्टर भीम, क्योंकि बड़े सारे लोगों से मैंने पूछा तो नाम थोड़ा सा फीका लगता था। उन्होंने कहा कि चेंज करते हैं भैया। मैंने कहा क्या रखते हैं? उन्होंने मिस्टर भीम, तो कई सारे लोगों को पसंद आया मिस्टर भीम, क्योंकि इसमें भीम भी आ रहा है और अच्छा सा भी लग रहा है। तो भाई शॉपिंग वॉपिंग थोड़ी डन हो गई है। वाह, बफेलो रेस लगाती हुई। तो शॉपिंग तो काफ़ी सारी हो गई, पर फिर भी पूरी नहीं हुई है, अभी थोड़ी बहुत बची है, जैसे मिठाई वगैरह की और कुएं के पटाखे रह गए हैं। ठीक है, फ्लावर वगैरह, पॉट्स वगैरह, ये सब तो निपटा दिए मैंने। बट अभी बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, तो अभी घर चलते हैं। सबसे पहले खाना वाना खाऊंगा और थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, फिर उसके बाद जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ हैं उन लोगों को स्टेशन छोड़ने भी जाना है, क्योंकि उन लोगों को हिमाचल के लिए भी निकलना है। फिर लौटते में देखेंगे, ठीक है, लौटते में देखेंगे मिठाई वगैरह की शॉपिंग और कूह के पटाखे, क्योंकि पटाखे ज़रूरी हैं भाई, नहीं तो कूह नाराज़ हो जाएगी। हाँ, दिवाली के टाइम पे ना बाज़ारों में रौनक अलग ही होती है, डेकोरेटेड होता है सारा का सारा मार्केट, लोग बाग भी निकले हुए होते हैं शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, और पब्लिक में व्लॉगिंग करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए यार तो वो अपने अंदर है, मुझे ऐसा लगता है, अच्छी बात है। आ गया सारा सामान आपका? हाँ, आप तो बहुत कुछ ले आए। पॉट्स लाए हम चुनिंदा बागों से चुन चुन के, फ्लावर्स भी अच्छे पॉट्स, बहुत सुंदर। हाँ बेटा, और कोगा कृष्णा, हाँ वो आपको भी पसंद आया? ये सबसे अच्छा लाया आप तुलसी माता का नहीं था ना हमारे पास। और ये सारे में पॉट है, और ये इतने बड़े बड़े हैं। ये तो तुम भी तो बड़े हो तो कैसी भीड़ थी मार्केट में? मम्मा अच्छे लोग थे, मेरे को वहाँ पे ना 2-3 लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल। अच्छा, लवली, वाओ, सादिया। इतना मंदिर में लगा तो बहुत सारा सामान लेके जा रहे हो आप तो। हमने ये कौन? नानी नानू। अच्छा, नानी नानू जा रहे हैं, नानी नानू को छोड़ने जा रहे हैं। बोलो, छोड़ने जा रहे हैं। अब 10 मिनट में स्टेशन पहुंच जाएंगे, पहले 5:30 फटाफट। ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल लड़की चलो चली। मामा दो, मैं ब्लॉग बनाऊंगा। ले रहे हैं आपके पटाखे भाई, ले रहे हैं पटाखे। बहुत भीड़ थी अभी शॉप में, मतलब ये जो शॉप है यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है, तो भीड़ बहुत ज़्यादा ही रहती है अभी। मतलब शॉप से काफ़ी दूर हम लोगों ने कार भी अपनी पार्क की थी, तो थोड़ी सी मिठाई तो अभी हमने ले ली, क्योंकि मिठाई सारी की सारी ख़त्म हो गई थी, तो जो बची थी वो मुझे पसंद नहीं आ रही थी। अभी कल फिर दोबारा आएंगे, सुबह फिर शॉपिंग करेंगे दोबारा से मिठाई की, क्योंकि मिठाई तो ज़रूरी है। दिवाली मतलब मिठाई, भले हम खाए ना खाए बट देना लेना तो पड़ता ही है ना, तो उसके लिए मिठाइयाँ खरीदनी पड़ेगी भाई। तो आधी अधूरी की शॉपिंग हुई है। कूह की एक गाना ही है, तो इसमें जो पटाखे लगाते हैं ना जो, वो नहीं मिले हैं पटाखे, कहीं हमें मिले ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि पटाखे के लिए मतलब लाइसेंस जगह होती है, वहाँ पर पर्टिकुलर जगह पर ही सेल करते हैं, तो आज हम जा नहीं पाए, कल जाएंगे। लेकिन प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस करना पड़ेगा। पिंकी प्रॉमिस, हाँ प्रॉमिस हो गया। हाँ वो भूलना मत, मेरे को उठाना, ठीक है, क्योंकि मैं उठ नहीं पाता। ठीक है, मैं आपको उठा दूंगा, आप चलना मेरे साथ। हाँ। फिलहाल जो सोसाइटी में एक छोटा सा दिवाली का मेला टाइप का लगा रखा, मतलब स्टॉल्स लगा रखे, कुछ झूले वूले लगे हो बच्चों के, तो कल भी गई थी खेलने के लिए, तो आज भी विजिट कर रही, तुमने कहा चलो लेके चलते हैं। सुनो, हम बताते हैं मेला का है, हमारा मेला हमारे ए पार्क में, तो हम लोग ए पार्क में जाएंगे, तो हमें क्या करना है बताओ। उधर एक मिकी माउस वाला, इससे भी बड़ा वाला है ना, वो भी झूला। मैं एक कल तो झूली थी मैं, इतना मजा आया, तो 4 घंटे लगे थे उसमें मैं जल्दी गई, और मम्मा से मैंने बोला मम्मा मम्मा ट्रैवलिंग में जाना, ट्रैवलिंग में, लेकिन ट्रैवलिंग में तो कोई नहीं था, इसलिए आज तो कोई है। और यहाँ तो मतलब क्या है कि मतलब दिवाली वाली मेन कल है, आज तो छोटी वाली दिवाली है, पर कल से ही मैं देख रहा हूँ बहुत पटाखे वटाखे फूट रहे हैं, आज भी काफ़ी फूट रहे हैं, मतलब काफ़ी बहुत बढ़िया तरीके से डेकोरेट किया हुआ सोसाइटी को। सो ठीक है, देखो हमारी सेलिब्रेट। दिवाली। हैप्पी दिवाली डैडी। हैप्पी दिवाली कुहू। वाओ बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। हाँ। जो एक्चुअल डेकोरेशन है वो तो कल ही देखने को मिलेगी। मेन दिवाली डेकोरेशन सब लोग कल ही लगाएंगे ना, दिए वगैरह जो स्टार डेकोरेशन होगी तो वो कल देखने में मजा आएगा। तो कल वाला व्लॉग निधिका के चैनल पर आएगा तो वहाँ देखिएगा, ठीक है। मेरे वाले में इतना ही काम चला है, छोटी दिवाली, छोटा चैनल, छोटी दिवाली। तो चलते हैं अभी।